धनजवाद, जो एक तरीके से भारत बंद का आह्वान किया गया तो लोहारों से कितना समर्थन मिला आपको? पूर्णतः से सुबह 6 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक चक्का जाम था पूरी तरह से, और लोगों ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया और पूरे लोहारों में पूर्णतः बंद था। भारत बंद संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर उन्होंने पूरी कोशिश की है, और हम सभी व्यापारी भाइयों का, किसान भाइयों का धन्यवाद भी करते हैं कि इस तरह से उन लोगों ने साथ दिया और संयुक्त किसान मोर्चा के आदेशों का पालन करते हुए उन्होंने पूर्णतः भारत बंद रखा। मैम, क्या कई दिनों से धरना चल रहा है किसानों का, क्या सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव आया है बातचीत करने के लिए? नहीं, सरकार क्यों बात करेगी, क्योंकि सरकार तो परेशान करना चाहती है किसानों को कि आप कितना परेशान कर सकते हैं, वो तानाशाही के ऊपर उतरी हुई है। तो अभी तक ऐसा कोई वो नहीं है कि वो किसानों से, हाँ बयान आते हैं लेकिन वो एक फॉर्मेलिटीज़ के ऊपर आते हैं, क्योंकि रियल में वो दिल से बात करना नहीं चाहती किसानों से, और जब तक दिल से नहीं चाहती तब तक समाधान नहीं होगा। आगे का क्या प्रूफ रहेगा मैडम? आगे का संयुक्त किसान मोर्चा जो आह्वान देगा, जो कॉल देगा, हम उनके आदेशों का पालन करेंगे। मतलब आगे भी धरना है वो जारी रहेगा? बिल्कुल जारी, किसान हटेंगे नहीं किसी की। आपकी तारीफ मैडम? क्या आपका परिचय? मैं कविता आर्य पाठवान से हूँ, और लोहारू हल्का में पूरी तरह से हम काम करते हैं किसान आंदोलन के लिए। टिकरी बॉर्डर पर हम रहते हैं और पूरी तरह से हम किसानों के लिए समर्पित। बहुत बहुत धन्यवाद। बंद का जो आह्वान किया गया था तो लोहारू से, या यूँ कहें कि यहाँ के जो छत्तर के जो किसान हैं, कितना समर्थन यहाँ से मिला आपको? यहाँ किसानों ने पूर्ण सहयोग समर्थन दिया, और पूरा हरियाणा में अपने कमाल की बात बताऊं, हरियाणा तो पूरा बंद था, भारत भी बंद था जी। लेकिन लोहारों में प्योर ट्रैक्टर से बंद रखा पूरे बाजार को। हाँ, तो किसके जो विकल्प, जो इमरजेंसी जो साधन होते हैं जैसे एम्बुलेंस है, इसकी छूट दी गई या फिर इनको भी बंद कर रखा था? इनको छूट दी गई, इमरजेंसी व्हीकल, फौज के व्हीकल जो भी थे, बीमार जो था, एम्बुलेंस वगैरह, वो सबको छूट दी गई। क्या क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? हमारे तो तीनों काले कानून रद्द हों, MSP पे गारंटी हो, किसानों पर जो मुकदमे बन रहे हैं वापस हो। थोड़ा विस्तार से बताएंगे भाई, जो सरकार जो कानून लेके आ रही है इसमें क्या क्या संशोधन करने चाहिए? संशोधन चाहिए नहीं, संशोधन की जरूरत नहीं, तीनों रद्द हों और MSP पर गारंटी कानून। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार और आपके किसान संगठन को टेबल पर बैठ के इस मामले में बातचीत करनी चाहिए? करनी चाहिए मामले में बात। कितनी बार प्रस्ताव मिला आपको सरकार की तरफ से? सरकार ने जब भी प्रस्ताव दिया, हमारे जो संयुक्त मोर्चा के बैठे हैं प्रधान, वो सारे गए हैं लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। सरकार केवल तानाशाही रवैया अपना रही। तानाशाही मतलब किस तरीके का तानाशाही रवैया अपना रही? वो अपनी मर्जी का करना चाह रही, हम करें वो हो, बाकी कुछ नहीं। किसान बैठे, खामखा बैठे 10 मिनट। आगे बाबा जी, आगे का जो प्रारूप है वो क्या रहेगा आपके संगठन का? आगे कुछ क्या प्रूफ? वो कहते चलते आ रहे हैं वो याद करेगा, जब तक ये कानून रद्द नहीं होंगे हम गरीब आपसे नहीं जाएंगे। ठीक है सर।